हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे आप, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। और सुबह का 11:15 बज गया है, तो ब्लॉग स्टार्ट मैंने काफ़ी लेट करा क्योंकि सागर ना सुबह जल्दी चले गए थे नाश्ता करके, नहा करके उनको बाइक सर्विसिंग कराने के लिए देनी थी, तो मैंने सोचा फटाफट ना काम निपटा देती हूँ। शोर भी उठ ही गया था साथ साथ में, तो नहाना तो मेरा दोबारा हो गया क्योंकि मुझे बाल धोने थे आज। तो एक बार तो सुबह नहा ली थी, बाल नहीं धुले थे उस समय, तो मैंने सोचा मैं बाद में धो लूँ, तो मैंने अब धो दिए हैं। तो मैं बाहर चलती हूँ, फिलहाल ये उधर ही हैं अभी, मतलब जो मेरे बिछाने वाले, और बेडशीट मैंने बिछानी है अभी क्योंकि मैंने धूप में डाली हुई थी, नई निकाली मैंने कल रात को, वो तो मैंने धो दी। शिवा भी नहीं आई है बाहर, चल शिवा। और मैंने यहाँ धुलाई करी, तो दीदी ना सीढ़ियाँ वगैरह धुल दी थी, तो इधर को ना मैंने धो दिया फिलहाल। और चले, ये मैंने ना यहाँ पर तकिया डाली हुई है। क्या भारी हो रही, दो दो बाल्टी ना भारी हो रही, एक तो पकड़ लेता है। चल आजा, आ जा, आ आ। क्या दम शिवा है, ऊपर करो फोन, ऊपर करो। शिवा का ना वीडियो बनाने का मन हो रहा, दिख रही माँ आज ना लंच में मैं बना रही हूँ करेले, तो मैंने कल शाम से नमक में डाले हुए थे काट करके ना, तो बना लूँगी अच्छे से फ्राई करके, प्याज वाले बनाऊँगी। यहाँ पे खा रहा है दाल वाला पराठा, तो आज हमने नाश्ते में बनाए थे मूंग दाल के पराठे, कल मूंग दाल बची हुई थी ना। हाँ यहाँ पे लगे, कोई बात नहीं, माँ छाप कर लेगी, बड़ा गंदा हो गया, छपाई वाला बच्चा है हमारा है। हाँ थोड़ा सा सॉस डाल दिया मैंने ऐसे करके, पतला पतला सा बनाया हुआ था इसके लिए, खा ले हैं। और पहले वो तो खा ले, और पता नहीं बिंदी लगाई थी, पता नहीं कहाँ गई शिवा, माँ की बिंदी कहाँ गई, पता नहीं कहाँ गई बिंदी, पता नहीं ऐसे करके पहुँचा होगा ना पसीना वगैरह, पता नहीं कहाँ गई। और ये रूम भी हो गया है पूरा सेट अच्छे से, तो अब हम दोनों तो फिलहाल यहीं रहेंगे। ये मैंने थोड़ा दरवाज़ा खोला हुआ है, वहाँ मैंने ना टावल फैला दिया, तो टावल यहीं पर सूख जाते हैं। और क्या करना है हमें, हाँ मुझे तो सब्ज़ी बनानी है, आटा गूंदना है, बस यही काम है आज। सब्ज़ी तो अपना बनती रहेगी ऐसे धीरे धीरे ना, प्याज काटना है भी, प्याज डालूंगी इसमें अच्छे से। शिवा इधर देखो, शिवा की नोजी देखो, आ, आ, नोजी में क्या लगा है चीची। ये मेरा ना इमरजेंसी वाला फ़ोन है बेटा। मेरा दीदी डांट रही है इसको। वो पापा जब आने वाले फोन पे क्या था, खरीदना क्या फोन, वो पापा की सुनाई वो बन गई है। और मैंने ना कढ़ाई से खाली करके ना इसमें रख लिया ऐसे करके, तो फिलहाल और बर्तन वगैरह मैंने धो दिया। शिवा ने ना पानी पिया, गिलास यहाँ डाल दिया, तो इसकी आदत, एक अच्छी आदत है शिवा पे, शिवा जूठे बर्तन सीधा सिंक में डाल देता है। क्या कर रहा, क्या क्यों क्या, अच्छा मम गिर गया यहाँ पे। ये दूसरी आदत भी ठीक है, हैं वहाँ पर ना पानी गिर गया ना, तो हम भी ऐसे पायदान वगैरह उठा देते हैं, उठा के रख देते हैं या कुछ भी कर देते हैं ना, साफ़ कर देते हैं। हाँ चलो हो गया, यहाँ भी गिरा तो यहाँ भी रख दो फिर। इसने क्या करा, पानी पिया ना तो गिर गया होगा, ले। तो टाइम ना 1:30 बज रहा है और शिवा ना सो गया, थक गया बेचारा, इतना काम कर लेता है ना, खेलना खा सो गया। तो अभी ना सो ही रहा है, तो फिर और इसने ना एक पराठा बनाया था, थोड़ा सा समय खाया था, थोड़ा अभी खाया, और उसके साथ में मैंने इसको करेले की सब्जी दी, प्याज करेले की, तो इसने खा ली थी, उतनी कड़वी भी नहीं हो रही, अभी मैंने भी खाई थोड़ा सा, तो कड़वी तो नहीं हो रही लेकिन बच्चा है ना, तो लेकिन इसने खा ली थी। तो अब तो दांत वगैरह भी आए गए हैं शिवा के, तो थोड़ा बहुत ना चबाना चबाना हो ही जाता है इसका, तो कड़वी नहीं लग रही होगी ना, तो खाई ली। अब मुझे बोलता और प्याज प्याज पसंद है ना, तो प्याज की वजह से खा रहा होगा शायद ना। तो मैं सागर का वेट कर रही हूँ, 2 बजे इनकी बाइक मिलेगी, तो आ जाए उसके बाद ही आएंगे। तो रोटी मैंने बना के रख ली है, तो आज ना सागर अभी तक नहीं आया, 3:45 बज गया है, तो बाइक मिलने में लेट हो गया होगा ना,
तो बोल रहे थे कि आ भी सकता हूँ घर पे, नहीं भी आ सकता हूँ दुकान पे चले जाऊँगा। तो और शिवा इतना गंदा है ना, आज गंदू बच्चा है ना। क्यों मतलब सागर नहीं है आज तो, ये एक घंटा सोया सिर्फ, दिख भी नहीं रहा। कहाँ है पापा? पापा आए नहीं बेटा, कहाँ नहीं आए बेटा पापा आज। सुबह दराव रविराज आया था ना, रविराज जान बूझ के रविराज ने ना शिवा को उठाया, मैंने उसको भगा दिया था पर वो भाग गया और उठ ही गया शिवा। तो आज ही ना मैंने नए कड़े निकाले थे हाथ में पहनने के लिए, पहन भी देते, मैं लेटी हुई थी, शिवा की नजर पड़ी उनमें तो शिवा ने ना यहाँ पीछे फेंक दी। और यहाँ तो अब गैप भी नहीं, मतलब इतना गैप है तो निकाले भी नहीं जा सकते हैं, वो स्कॉटिंग में अटके होंगे, वो नीचे भी नहीं गए होंगे वो पूरे, पता नहीं क्या लेने जा रहा था, मेरे को समझ नहीं आ रहा। 4 बज रहा अभी तो, 4:10 हो रहा अभी, 3 बजे का उठा हुआ है, थोड़ा सोया, 3 भी नहीं 3:30 3:45 के बीच में उठ गया था। क्या कहाँ है, हट छोड़ इस बोल, इसको ना ऐसे ना ऐसे कर देती हूँ, छोड़ अपना ना खेलता रहेगा, पता नहीं कहाँ डाल दिया, नए कड़े निकाले थे मैंने पहनने के लिए। हाँ डब्बा कहाँ है डब्बा, अच्छा ये रहा बोल रहा ये रहा, ले फेंक दिया, नहीं चाहिए होगा। क्या करना है, क्या करना है, डम डम करनी है उसको ना, पलटना उलटना उठाना सब कुछ आ रहा है टायर को, इतनी ताकत होगी शिवा में। ऐ शिवा वहाँ देख रहे हो शिवा, बिगड़ा बच्चा है ना ये, ऊपर बैठ जा रहा पता उसके, ये फिर डर लग रहा है इसको देख के, वहाँ वो फिर चलेगी शिवा नहीं इसको। मैं तो इसको मैंने अभी बनाना दिया, मैं बिस्किट खा रही थी क्योंकि मेरी आदत है ना अगर मैं उठी हूँ तो मैं कुछ ना कुछ चाहिए होता है, क्या दो दूँ, माने दो खाए, ये खाया क्या है ये। हाँ वो बोल रहा मैं खा रहा कि इसको अब गंदा बच्चा, सारा देखो कितना गंदा कर दिया शिवा ने। और ना आज तो बिल्कुल मन नहीं लग रहा, शिवा आपका मन लग रहा पापा के बिना, लग रहा शिवा आपका मन लग रहा पापा के बिना, उसका तो लग रहा है, मेरा तो मन नहीं लग रहा। पापा कहाँ है देख रहा अपना, पापा कहाँ है हमें देख रहे, पीछे मत गिर जाना ब्रा में देख रहे इसके, नींद आ रही सुला दू मत, अब मैं अब तो मैं सुलाऊंगी नहीं इसे, ये तो रात को परेशान करेगा, रात को जल्दी सो जाएगा ना। शिवा ने ना मुझे इतना पागल बना दिया ना आज, हेयर बैंड वगैरह ना मेरे कड़े से भी आने डाले हुए, मैंने टॉर्च लगा के देखे, क्या करूँ मैं इसका। अभी ना शाम का 6:30 है और काफ़ी दिनों बाद ऐसे ना तैयार तैयार होके हम दोनों जा रहे हैं बैग लेके बाहर, दूध वगैरह लेना है, दीदी हम बच्चे सारे बच्चों के ना, दीदी का फ़ोन आया था कि चलो बाहर तक चलते हैं घूम के आ जाएंगे, है ना शिवा है ना घुमा करके। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो मैं लाइट खुली, मैंने फ़ैन बंद कर देती हूँ, लाइट भाई फैन बंद कर दिया है, लाइट बंद कर देती हूँ, चलो चलो चले। शिवा को ना मैंने पैजामी पहना है क्योंकि ना मच्छर मच्छर रहते ही हैं, गर्मी तो है लेकिन मच्छर रहते हैं, सीधा जाने के लिए तैयार हो रहा, तैयारी रुको तैयारी, हाँ उससे वो है सरिया लग जाती है उससे गबा के नीचे कटा दूंगे ना, भेज अभी रविराज को बुला रहे हम।
मास्क पहन रखा उसने कोरोना टाइम की याद, लॉकडाउन की याद। जैन की कटिंग करवाने आ रखे हम, बहुत फर्क पड़ता है। शिव बैठना, ये बोला स्टाइल वाली कटिंग करवाने की। कट गए, अब इसका नंबर है अविरल का, वो रो रहा कि मेरे बाल चाची वीडियो में नहीं खाएगी सब। वो रो रहा नहीं कटवाने, कटवा दे। नीचे उतरने की हो रही, फू कर दे। दीदी के साथ भी ना बहुत करने लग गया ड्रामे अब। बोल रहा हूँ अभी ना हम घर की तरफ जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। हशिमा गर्मी हो रही, आजा मेरे पास। जा एक्टिंग कर आज का ड्रामे हो रहे ना, बहुत दिनों से ना वो नहीं घूमन नहीं ना अभी। ओ भयंकर, पता बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतनी गर्मी हो रही क्या ही बोले। ये पसीना दिख रहा होगा अशिवा ना। मैं फ्रूटी लेके आई और तो मैंने ना इसको ठंडी ठंडी फ्रूटी दिलवाई कि थोड़ा ठंडा ठंडा सा, बहुत ज़्यादा ना गर्मी हो रही है, इसको भी ना पसीने पसीने से हो गए हैं। बैग में है दूध वगैरह, देखो इतना पसीना हो रहा ना, बैग कैसे हो गया है। इसमें है दूध खीरा वगैरह, तो खीरे का रायता बनाऊंगी मस्त करके ठंडा ठंडा। और करेले बचे हुए हैं, सागर आए थे करेले बचे हुए हैं, तो हो जाएगा दिन रात का हमारा, है ना। हाँ जी बोलो। अभी ना मैंने दूध रखा है बॉयल होने के लिए, और आज तो सागर की सब्ज़ी, मतलब इनकी सब्ज़ी ऐसी बची हुई, ये सब्ज़ी है, थोड़ा सा खीरे का रायता बना दूँगी बस, और दूध बॉयल करने के लिए रखा हुआ है। उसका पैकेट ना थोड़ा सा फट गया, थोड़ा सा ना लग गया यहाँ गैस के पास, तो मैंने फटाफट से इसमें रख दिया, गिरा नहीं दूध, बस मैंने इसमें रख दिया ऐसे करके, अभी बॉयल करूँगी इसे भी। मैंने शिवा ने तो ना आते ही नहा लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और मैंने सोचा जो जलानी है पूजा करनी है उससे पहले नहा लूँ, कि फटाफट से हाथ में धुलना ही होता है। तो अच्छा अच्छे से मतलब शावर ले लिया मैंने भी और शिवा ने भी। शिवा तो ना सीधा बाथरूम में घुस गया था, है ना। गम्मी हो गई थी आपको? अच्छा बताओ आपको गम्मी हो गई थी? कितनी गम्मी हुई थी आपको? दो गम्मी हुई थी शिवा को। तो अभी आ गया था मैं घर पे, जूते उतारे थे मैंने, शिवा पहन के घूम रहा है मेरे जूते। अभी गर्मी तो बहुत हो रही है यार, तो ये बना रही है खाना, और खाने में है करेले की सब्जी, और क्या है ये खीरे का रायता, नाली दो नाली, गर्मी तो बहुत हो रही है।